जिसकी सोच ने कर दिया कमाल, जिसने बदल दिया देश का हाल, जिसने हमें पढ़ाया सत्य और अहिंसा का पाठ, वो थे हमारे गांधी बापू महान। आदरणीय उदय सर, पवन सर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रिंस कुमार, आज मैं उस महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसात्मक तरीके से लड़वाया तथा उनके इन्हीं उदार स्वभाव से उनको महात्मा की उपाधि भी मिली थी। महात्मा की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्राप्त हुई। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा उनकी माता का नाम पुतली बाई था। वह अपनी शिक्षा को पूरे करने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां पे उन्होंने वकालत की पढ़ाई को पूरी की। वहां से आने के बाद उनका विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ और उनके 4 बेटे हुए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस कारण उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा भी मिला है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में की गई थी हुई थी तथा उनको मारने वाले का नाम नाथूराम गोडसे था। महात्मा गांधी ने ही 8 अगस्त 1942 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के बीच करो या मरो का नारा दिया था। अंत में मैं इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थे वे उस दौर के, इस दौर के भी कहलाएंगे युग पुरुष, थे वे उस दौर के, इस दौर के भी कहलाएंगे। जब जब दुश्मन दुस्साहस करेगा, हम भी इतिहास दोहराएंगे। वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, राष्ट्रपिता कहलाएंगे। हम उनका इनका जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।